नमस्कार दोस्तों, बालेश्वर टेंपल पे एक हादसा हुई है जिसमें 25 लोग कुएं में गिर गए हैं। ये बालेश्वर टेंपल मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कल रामनवमी के दिन वहाँ हवन हो रहा था। हवन के बाद लोग वहाँ जुटने लगे हवन देखने के लिए, और वहाँ पे एक बोला जा रहा है कि मंदिर के बीचों बीच एक कुआं भी था, और वो 40 फीट का कुआं था। वो कुआं में 5 फीट पानी था। अब कुएं को वो लोगों ने क्या किया था कि ऊपर से ढक दिया था, वो कुछ लकड़ी देके, कुछ टीन वगैरह देके ढक दिए थे। अब समझिए कि इतना भीड़ में हवन बहुत हो रहा था, छुट्टी का दिन था तो लोग ज़्यादा जमा हुए थे, तो लोग उस जब ज़्यादा भीड़ होने लगा तो उस जो ढका हुआ कुआं था उस पे भी लोग खड़े होने लगे, और इसके चक्कर में भारी लोड हो गया उसमें और लोग वहाँ पे गिर गए। तो अभी तक 8 से 10 लोग मारे जाने का है सूचना। अभी और अपडेट इसमें आना बाकी है। नहीं, ये बालेश्वर टेंपल है क्या, ये समझने की कोशिश करते हैं। ये बालेश्वर टेंपल है, शिव जी का मंदिर है। अब कल जो था छुट्टी का दिन था, तो छुट्टी के दिन होने से भीड़ ज़्यादा बढ़ गई, और चूंकि भीड़ ज़्यादा बढ़ने से लोग समझ नहीं पाए कि इधर कुआं है कि क्या है, और लोग कुएं पे गिर गए। सवाल ये उठती है कि आखिर एक कुआं है, 40 फीट का गहरा कुआं है, 5 फीट पानी है, उसे ढकने की क्या ज़रूरत थी, क्यों नहीं उसे अच्छा से पैक कर दिया गया, या वहाँ कुछ लिख दिया जाता है, या उसे बंद कर दिया जाता है कि आप इधर नहीं जा सकते, तो ये घटना शायद नहीं होती। तो इस घटना से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलती है? इस घटना से हमें सीख मिलती है कि कभी भी कोई भीड़ भाड़ एरिया है, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपको अपनी सावधानी बरतनी चाहिए, और जितना हो सके भीड़ भाड़ एरिया से आपको बचना चाहिए, क्योंकि भीड़ भाड़ के एरिया में आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या है वहाँ, और दूसरे जिस तरह से मुसीबत में फंस जाते हैं आप भी फंस सकते हैं। तो इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि भीड़ भाड़ एरिया में जाने से बचें। भीड़ भाड़ एरिया आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है, लेकिन आजकल एक तरह से ये ट्रेंड चला हुआ है कि चलो छुट्टी है तो आज यहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं। कभी घर में भी समय देके आराम किया जा सकता है। ये ट्रेंड बदलने की ज़रूरत है। अगर भीड़ भाड़ एरिया पे जाने से हम बचेंगे तो खुद भी सेफ रहेंगे और देश को भी सेफ्टी से बचाएंगे। अभी कोरोना का न्यूज़ स्प्रेड हो रहा है, तो उसमें और ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है कि आप भीड़ भाड़ एरिया से बचें। ज़्यादा जहाँ भीड़ जमा हो रहा है अपने आप को सतर्क कर लें, अपने आप को उस एरिया से अलग कर लें। सेफ्टी इसी में सबकी है।
उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।